किसी गरीब माता जीवन जीने का संदेश भी दिया। व्यक्ति की अभिलाषा होती है बहुत अच्छी तरह से मैं अपनी बेटी को विदा करूं घर से, धन के अभाव में संबंध तय नहीं होता है, दहेज के अभाव में जोड़े तय नहीं होते हैं, विवाह नहीं हो पाता है, तो क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं है? ठाकुर जी ने यदि हम लोगों पर कृपा की है और धन का सदुपयोग करना है तो शिव पुराण में कहा गया कि सभी दानों में सबसे बड़ा दान कन्यादान है, तो हम क्यों ना कन्यादान करें। भगवान ने यदि हमें कुछ दिया है तो हम सार्थक उपयोग करें। भाई देवकी नंदन जी ने आज जो सार्थक पहल की है, मेरा निवेदन है सभी ब्रजवासियों से, सभी भागवताचार्यों से, समाज के गणमान्य व्यक्तियों से, आप लोग भी इसी प्रकार आगे आए, इनका सहयोग करें। स्थान स्थान पर इस तरह के आयोजन हो, संपूर्ण विश्व में एक भी कन्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि धन के अभाव में उसका पिता विवश हो जाए कि मैं अपनी बेटी का हाथ पीले नहीं कर पा रहा। और जिस दिन दहेज की प्रथा मिटेगी या जिस दिन इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो जाएंगे, दहेज की समस्या नहीं होगी, उस दिन घरों में बेटी के जन्म के समय दुख नहीं मनाया जाएगा, उस दिन तालियां बजेंगी उस समय जैसे बेटे के समय थाली पीटी जाती है, बर्तन बजाए जाते हैं, उसी तरह से घर घर मिठाइयां बांटी जाएंगी कि चलो हमारे यहाँ लक्ष्मी जी आई हैं, लक्ष्मी आई है, अपना भाग्य लेकर आई है और संतों का आशीर्वाद हो। भागवताचार्य इसी प्रकार पहल करें, समाज के गणमान्य और वरिष्ठ व्यक्ति यदि आगे आए तो वह दिन दूर नहीं है जब विश्वनाथ और जगन्नाथ का नाम भी सार्थक होगा, ये देश पुनः सोने की चिड़िया और स्वर्ण भूमि कहलाएगी। धन्यवाद। राधे राधे। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव, वर एवं वधू के रूप में विराजमान लक्ष्मी नारायण स्वरूप, हमारे ये सप्त दिव्य रूप और हमारे सभी आगंतुक जन संत जन, आज बड़े ही सौभाग्य का दिवस है कि हमारे श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के श्री शांति संदेश के अंतर्गत अपने ट्रस्ट के द्वारा एक अद्भुत कार्य संपन्न होने जा रहा है। हमारे यहाँ लौकिक कहावत है कि कन्या दान कियो जिनने, तन और कोई दान कियो न कियो। यद्यपि दहेज को आज की भाषा में दानव कहा जा रहा है, परंतु सृष्टि का जब पहला विवाह कर्दम और देवहूति का हुआ तो मनुजी महाराज ने वहाँ कन्यादान किया और जितनी भी आवश्यक सामग्री वर और वधु को अपेक्षित होती हैं उन्होंने प्रदान की थी, परंतु वह उस वर वधु को दी थी जो वन में रहते थे और जिनको उन वस्तुओं की आवश्यकता थी। आज हमारे शांति सेवा ट्रस्ट के द्वारा भी उन्हीं पात्रों का चयन किया गया जिनको वस्तुता उन वस्तुओं की आवश्यकता है और उपयोगिता है। क्योंकि हमारे इस सृष्टि के क्रम में जैसे ही मानव जाति का विकास हुआ तो मानव जाति के अंतर्गत सनई सनई जो जो प्रगति हुई उसमें वैवाहिक प्रक्रिया भी अपनाई गई। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमों की कल्पना हुई और उसके द्वारा जीव को प्रारंभिक जीवन से मोक्ष तक ले जाने की इन प्रक्रियाओं को अपनाया गया। उसी श्रृंखला में हमारे श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के मन में जो संकल्प प्रारंभ हुआ कि ब्रज में जो आपदा आई जिससे किसान वर्ग, कृषक वर्ग और अन्य जो भी निर्धन वर्ग है वो पीड़ित हुआ, उसकी सहायतार्थ बजाय कुछ नगद राशि देने के यदि उनके कुछ उपयोगी कार्य में ट्रस्ट आवे, ये उस ट्रस्ट की सार्थकता होगी। और उन्होंने इसके लिए अपने मन में कन्यादान लेने का संकल्प किया। 1.5 महीने से वो सभी भाई बाहर थे, तथापि उनके अनुगत अनुचरों ने मिलकर के जो परिश्रम किया और 7 जोड़ों को आज यहाँ एकत्रित किया और उसकी शोभा संतजनों के मध्य में, गणमान्य लोगों के मध्य में हम देख पा रहे हैं, ये निश्चय ही इस ट्रस्ट के कार्य की पूर्ण सफलता है। और इस तरह के कार्य वृंदावन में होते रहते हैं और होते रहें, ऐसी मेरी कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण वंदे जगत गुरु। आज वृंदावन धाम में और एक ब्रजवासी संत के आश्रम में और जिनका जीवन बाल रूप में यशोधा की गोद में खेलते हुए आज
जैसे ट्रस्ट का नाम है विश्व शांति, और स्वयं विश्व भ्रमण करते हुए उनके द्वारा, उनके ट्रस्ट के द्वारा जो आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और गुप्त नवरात्र में आज नवमी है। क्योंकि हमारे यहाँ असम में देवी भागवत चल रही है और आज नवमी है और व्यास जी भी हमारी तरफ हेर रहे होंगे, कथा का समापन है तो उनको भी कुछ दहेज हमको देना पड़ेगा। तो 9 दिन आनंद लिया है। तो पहली बात तो वर वधु, यार देखो तुम्हारे जीवन का सबसे खुशी का दिन है आज, तो तुम मुरझा के न बैठो, तुमको तो हंस के और मुस्कुराते हुए जुगल डोली को बैठना चाहिए। क्योंकि आज का दिन आपका कितना मंगलमय दिन है, कैसे हुआ, किसने किया, ये तो ठाकुर जी जानते हैं और ठाकुर की लीला ठाकुर है जाने, लेकिन तुम अपने जीवन की मस्ती जो आज प्रथम दिन आपका ये सौभाग्य खुला है आपके जीवन में, तो कम से कम मुस्कुराओ। तो ये बराती बैठे हैं, इनको अब इनकी क्षुधा जो है आगे के लिए, चूंकि बरातियों को तो प्रसाद भोजन चाहिए और टाइम भी ऐसा हो रहा है, तो मैं वृंदावन धाम में ऐसी शांति सेवा टेबल ट्रस्ट के द्वारा जो 7 जोड़ों का या 1 जोड़ा करने में तो खून पसीना हो जाता है, लेकिन बिहारी जिसके द्वारा लीला कराते हैं, चूंकि ये रसमयी भूमि है, प्रेममयी भूमि है और लीलामयी भूमि है, और हम लोगों तो अभी मीडिया को सभी महापुरुषों ने दिया है कि इनके ट्रस्ट के द्वारा दीन दुखी गरीब असहाय जैसी भी परिस्थिति, खाली उसकी जीवन की सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई है गरीबत में और परेशान है, तो ये ट्रस्ट, ये संत, ये महापुरुष उसकी सेवा हर वक्त करते रहेंगे। ये कोई मिशन आज के लिए नहीं बना है कि आज 7 जोड़ों की हो गई, हम कहते हैं और चयन सही होगा तो 51 जोड़ों का किया जाएगा। हाल बन क्यों रहा है, ये अच्छे काम के लिए बन रहा है भाई, ये सब बन क्यों रहा है, हम लोगों के पास कहां कहां से धन आता है, अगर उसको सही सदुपयोग में न लगाएंगे तो फिर जीवन की मस्ती क्या होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस शुभ कार्य को सभी को नमन और वंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। सुचिंत्य अचिंत्य अभिचिंत्य अतिशय अत्यंत अंतरंग निवृत नित्य निकुंज विलासी प्रिया वल्लभ राधा वल्लभ गोपी जन वल्लभ माँ के बिहारी श्री सर्वेश्वर प्रभु की आज बहुत बड़ी कृपा है जो देवकी नंदन जी के माध्यम से ये ऐसा सुंदर सत्कर्म पाणी ग्रहण संस्कार कराया है। संस्कार संस्कृति और संस्कृत ये भारत में ही है, अन्यत्र नहीं है। विदेशों में सभ्यता हो सकती है लेकिन संस्कृति नहीं है, संस्कृत संस्कृति और संस्कार भारत में ही है। तो ऐसा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय वैधानिक विधि के अनुसार कराया। वैसे तो ये बड़ी छोटी छोटी अवस्था के, फिर भी मैं बहुत ठेठ भाषा में बोलता हूँ, समझ में आ जाएगी, वैदुष्य भरी भाषा में नहीं बोलूंगा। कि देखिए, कन्या रत्नम आपनोति पुत्र पौत्र प्रवर्धनीम, ये कन्या जो है जो वर के लिए सौंपी जाती है, ये एक रत्न है। रत्न को कितना सुरक्षित रखा जाता है, डिब्बी के अंदर भी रखो तो 2 मखमली डिब्बियों के बीच में रखा जाता है। इसी प्रकार से जिस वर के लिए सौंपा गया है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नारायण स्वरूप है, वर स्वरूप है,
सत्य संकल्प मस्तु हो, सत्य संकल्प लेकर के ही आया है, इसीलिए उसको साधु कहा गया है। अभी पंडित जी फेरा भरवाएंगे जब बोलेंगे साधु भवान राष्ट्रताम विष्टरो प्रतिक्रियताम। अब यह समझेंगे पंडित जी बाबा जी के बस को खेलना है या ब्याह बचवाए होगा वही समझा हो जाए। साधु कौन? जो सतमार्ग पर चल रहा है, जो ऋषियों की परंपरा में चल रहा है, ऋषि प्रायकर गृहस्थी हुए हैं, गृहस्थियों के मार्ग में आया है, वो साधु। तो इन वर्गों के लिए ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी पूरी जिम्मेदारी है, जिसने कन्या रत्न हमारे लिए सौंपा है, हम आजीवन उसकी हर बात की पूर्ति करें अपने सामर्थ्य के अनुकूल। जैसे रत्न को सुरक्षित रखा जाता है उस प्रकार से हम उसको रखेंगे, ऐसा संकल्प अपने हृदय में रखें और उसके अनुसार चलें। उस पक्ष के जो लोग हैं उनका भी यही कर्तव्य बनता है। अब आगे चलते हैं, अब कन्या पक्ष की बात चलते हैं। कन्या पक्ष की बात यह है कि आज भागवत के तो यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हुए हैं, मैं तो अभी भागवत का पहला श्लोक भी 62 वर्ष की अवस्था हो गई मुझे नहीं लगा। दंपति नाम चकल कदम, कलयुग के वर्णन में महात्म्य आया है, दंपतियों में कलह पैदा हो जाएगा। दंपति नाम चकल कदम, कारण क्या है? बिना कारण के कार्य नहीं होता है। बोले कारण ये है कि जो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम जो वही वेदांश प्रणोति तस्मै तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वही शरणम अहम प्रपद्येहे वेद वचनात् श्रुति वचनात्। शरणागति और प्रपत्ति दो दई गई हैं यहां। कलयुग से पहले पहले थे जो कन्या समर्पित की जाती थी वो वर के लिए, भगवान के लिए, विष्णु रूप के लिए समर्पित है। और यहां समर्पित है, समर्पित का मतलब उसके अनुकूल बात है, लाइफ पार्टनर नहीं। आजकल अंग्रेजी बोलने वाले लाइफ पार्टनर शब्द का प्रयोग करने लग गए हैं चैनलों पे, ये बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, हो ही नहीं सकता। तो ये जो शरणागति है, वेद में, भागवत में, गीता में, सब जगह, रामायण में जो शरणागत है वो अपनी अपनी चलाएगी नहीं, वो तो अपने पति के अनुकूल चलेगी, क्योंकि पति परमात्मा है। अनुकूलेन भक्ति रुत्तमा, परमात्मा के पति माने परमात्मा के प्रति उसके अनुकूल चलना सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन फिर भी परंपरा को यदि देखा जाए तो जब आचार्य लोग विवाह बचवाते हैं तो उसमें 7 वचन भरे जाते हैं, तो उसमें स्वार्थ की गंध तो आ जाती है। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट में ही लिख दिया है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुरंदर मुनि सब की यह रीति। तो शरणागति तो संभव नहीं है, पर हाँ प्रपत्ति तो है ही है। गोपियों ने तो प्रपत्ति को कहीं स्वीकार नहीं किया है, संपूर्ण भागवत में कहीं पर भी ये नहीं कहा श्री कृष्ण हम तुम्हारे प्रपन्न हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में गजेंद्र आख्यान आता है, उसने स्वीकार किया, उसने कहा प्रपन्न पालय दुरंत सक्तये, प्रपन्न जनानाम पालय अतिथि प्रपन्न पालह। प्रपत्ति हो सकती, प्रपत्ति का मतलब है कुछ स्वार्थ है उसमें। विभीषण आया शक्रदेव प्रपन्नायो तवास्मी इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, महाराज मुझे अभय प्रदान कर दीजिए, मैं आपके प्रपन्न हूं। स्वार्थ आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से कन्या जब वर की पक्ष की शरण में आई तो आचार्य जी ने वचन भरवा दिया कि समय समय के अनुसार आप मेरा भरण पोषण करेंगे। लगा बड़ी हो गई है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु से, राधा माधव प्रभु के चरणों में शुभकामना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। ये जो जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं, जिन वर कन्याओं का पारण ग्रहण संस्कार हुआ है, इनका जीवन सभी सुखी संपन्न रहे, सदैव आनंदमय रहे, इनका जीवन मंगलमय रहे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में श्रद्धेय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में रेशम बाग नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा 28 अगस्त से 4 सितंबर दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे एवं 5 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 10 बजे से रात्रि 1 बजे तक केवल
आस्था चैनल पर। नागपुर के भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09511984378, 09511984379, 07351111221, 07351111331। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 121,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094443 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 07351111221, 07351111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 011-4756-4008, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vsscity.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vsscity.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।